लगातार राजेंद्र नगर में पानी की तबाही जो है वो लगातार जारी है, और जिस प्रकार से देख रहे होंगे सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, और लगातार जिस प्रकार से जो बीमार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से ये लगातार इस राजेंद्र नगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे काफ़ी अस्पताल है और जहाँ पे लगातार जो मरीज जो थे वो फंसे हुए थे, और उसके बाद जब जानकारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ को टीम को मिली तो कई मरीजों को यहाँ से बचाया गया। और तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कई परिवार के जो लोग थे, कई जो मरीज थे वो पिछले 3 से 4 दिनों से फंसे हुए थे, और उसके बाद यहाँ से उन्हें निकाला गया और सीधे तौर पे एक कहा जा सकता है कि बेहतर पहल की गई है। देख लीजिए कि बोट की भले ही कमी हो लेकिन किस प्रकार से मरीजों को निकाला जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को ला रहे हैं, किस प्रकार से आप देख लीजिए कि काफ़ी परेशानी है। और जिस प्रकार से लगातार राजेंद्र नगर में जो पानी का जो मंजर है, त्राहिमाम है, वो लगातार जारी है। सर कहाँ से आ रहे हैं? अरे अब यहाँ पे सेंटर में फंसे हुए थे, 4 दिन से फंसे हुए थे, बस बुला रहे, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। आज हमारा एकदम हृदय बंद होने लग गया, हार्ट के पेशेंट हम। किस अस्पताल में भर्ती थे? डॉक्टर राजन चौधरी के थे। 4 दिन से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया बचाने के लिए, बताइए एकदम मतलब जो कैसे मतलब कौन लाए? अरे देख रहे हैं आपके सामने में है, मैं इनको लेकर के आया हूँ। ये प्लाईवुड था हमारे पास में, तीन आप देख लो, इसको 3 परत में बना करके नाव के तरह इनको लेके आए। देख लीजिए किस प्रकार से सरकार, नीतीश सरकार 2015 में जब आई थी तो ये दावा किया था, और इसी इलाके में वोट मांगने आए थे और जनता ने उन्हें वोट भी दिया था। और 30 तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से लोग अपने पेशेंट को ला रहे हैं, और किस प्रकार से लोग जो भले ही प्रशासन की तरफ से भले ही नाकामी हो मदद के लिए, जो पूरे तरीके से मिलना चाहिए था भरोसा वो नहीं मिला। कहाँ से ला रहे हैं इनको? चौधरी इमेजिंग से जांच घर है जो यहाँ पर ही वो बोर्ड लगा हुआ है, उसे 4 दिन से पानी में फंसे हुए हम लोग हल्ला कर रहे हैं लेकिन लोग कोई नहीं सुनते हैं, खाली बोल रहे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बस उतना ही तक। वो वही नीतीश कुमार है जिन्होंने सीधे तौर पे कहा था, ये दावा वादा किया था कि चुनाव के समय जो वोट मांगे थे, और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो साफ तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से, और लगातार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, कोई यहाँ तक अभी तक छुड़ाने नहीं आया। और लगातार जो है आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते होंगे कि किस प्रकार से लोग इसी पानी में रहने को विवश हैं, और लगातार जो एक जो जिला प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, और यही हाई प्रोफाइल इलाका घर कहा जा सकता है जहाँ सुशील मोदी का आवाज भी पड़ता है, 3 दिनों से वो भी भर्ती थे लेकिन उनको भी रेस्क्यू करके एसडीआरएफ की तरफ से निकाला गया, लेकिन जो सरकारी मदद पहुंचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। और यहाँ के लोग अभी भी राम भरोसे हैं कि कोई तो आएगा उनकी मदद करेगा, लेकिन अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा ना पहुंचना ये सीधे तौर पे जाहिर करता है कि स्थितियां लगातार बिगड़ते जा रही है, और जो आसपास के लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मदद करने को भले ही आगे आ रही है। कैमरामैन आनंद भूषण के साथ रोहित यादव, अजय भारत, पटना।